हेलो, मैं हूँ विकास। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज 12th क्लास का जो 5th चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिन्होंने मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल किया था। देखते हैं कैसे। मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर हाइब्रिड कंडीशन है तो उसमें एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और दूसरी एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और दूसरे के एक्सप्रेशन को सुप्रेस कर देगी। तो जो एक्सप्रेस करेगी वो डोमिनेंट होगी और जो नहीं कर पाएगी वो रिसेसिव होगी। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था। तो क्या हुआ, जब फर्दर स्टडी हुई तो पी प्लांट में ही क्या देखा गया कि F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट रिजल्ट आए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्लांट लिया, स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन एक प्लांट लिया गया, उस प्लांट पे जो करेक्टर लिया गया वो था कलर। किसका कलर? फ्लावर का कलर। ये करेक्टर ले लिया गया। तो फ्लावर के कलर जो हैं वो दो तरीके के थे, एक रेड और दूसरा लिया व्हाइट। देखते हैं क्या किया। स्नैपड्रैगन के रेड कलर के फ्लावर को, यानी कि रेड फ्लावर जिस प्लांट पर लग रहे थे, उसका क्रॉस किसके साथ कराया, जिस प्लांट पर व्हाइट फ्लावर लग रहे थे, क्रॉस करा दिया। सेम गैमेट्स को सिंबल दे देते हैं और स्मॉल आर स्मॉल आर गैमेट्स बनाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा यहाँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है, कोई चेंज ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है गैमेट्स बनेंगे। ये गैमेट्स बन गए, क्रॉस किया, क्रॉस किया, यहां से रिजल्ट क्या आया, कैपिटल आर और स्मॉल आर। F1 जनरेशन हो गई हमारी। अब F1 जनरेशन में अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली देखें तो ये फ्लावर कैपिटल आर है, डोमिनेंट से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसके अकॉर्डिंगली थी, यहां क्या आना चाहिए, रेड। लेकिन स्नैपड्रैगन में ये रेड की बजाय इंटरमीडिएट आया, मतलब पिंक आया। दैट मीन क्या हुआ, जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फेल हो गया और इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे आया, तो यहां पर दो तरह के ट्रेट्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव एक होता है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो जो ये पिंक आया था ये क्वांटिटेटिव था। क्वालिटेटिव क्या होता है, जब एक जीन फुल्ली एक्सप्रेस करे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ था कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर इसने अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस किया और प्लांट कैसा आ गया था, टोल, और इसको पूरी तरह से सुप्रेस कर दिया था, यानी कि एक सिंगल अलील ने ही पूरा एक्सप्रेशन दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या आता है क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में बहुत अलील, दोनों अलील जब इकट्ठा होंगी तभी वो क्या दे पाएंगी, पूरा अपना करेक्टर दे पाएंगी, यानी कि पूरा क्या था इनका, रेड। और अगर इनमें से सिर्फ एक जाती है तो क्या हो गया, जो इफेक्ट है उस अलील का वो आधा हो गया, मतलब इंटरमीडिएट हो गया, पिंक हो गया। तो ये क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव ट्रेट होता है, ये क्वालिटेटिव, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको हेल्प बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो डोमिनेंस करैक्टर आता है या ट्रेट है या कोई भी करैक्टर अपने आप को डोमिनेंट शो करता है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, वो डोमिनेंट क्यों होता है, क्या रीजन है, चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। डोमिनेंस देखो, हम जानते हैं कि करैक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, करैक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल। जीन किसमें होती है, जीन किसमें, पेयर में, ठीक है, पेयर ऑफ अलील, एक जीन की दो अलील होती है, एक पेयर की दो अलील होती है, और जिस ऑर्गेनिज्म में ये सेम होगी, फॉर एग्जांपल ये है सेम अलील है तो क्या कहलाती है, होमोजाइगस, ये भी जानते हैं हम। और अगर कई बार क्या हो जाती है, ये सेम नहीं होती, डिफरेंट भी होती है, तो क्या हो गई, ये हेटरोजाइगस। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये इससे कैपिटल टी से ये स्मॉल टी कैसे हो गई, तो हम जानते हैं क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या आती है, वेरिएशंस आती है, तो उसी तरीके से क्या हो गया, जो ये जीन थी इस जीन में वेरिएशन आ गई, यानी कि जो टोलनेस की जीन थी उसमें वेरिएशन आ गई, और वेरिएशन आ गई जिसकी वजह से वो क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई, और मॉडिफाई होने की वजह से क्या हो गया, मॉडिफाई होने की वजह से जो उसका करैक्टर है या जो ट्रेट है वो चेंज हो गया। इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, डोमिनेंस को ऐसे समझते हैं अगर जीन डोमिनेंट है क्या करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है, कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या आएगा, टॉल, क्लियर, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इस टॉलनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, जीन, हाउ, क्वेश्चन अराइज हुआ कैसे, जीन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, चलो देखते हैं। जीन जो है, फॉर एग्जांपल ये टॉलनेस की जीन है, ये जीन एंजाइम प्रोड्यूस करती है, ये जीन एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, ये एंजाइम यानी कि जो टॉलनेस की जीन थी, इस टॉलनेस की जीन ने एंजाइम प्रोड्यूस किया, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में और सिंथेसिस में। अब ये जीन जितना ज्यादा एंजाइम बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है, उतना ही ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा और रिलीज होगा, प्लांट की हाइट उतनी ही ज्यादा होगी, ऑब्वियस है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जीन क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई, तो मॉडिफाई होने की वजह से जो मॉडिफाइड जीन है तीन रिस्पॉन्स शो करेगी, या ये कह सकते हैं जब जीन मॉडिफाई होगी तो उसके हमें तीन इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वो तीन क्या है, एक या तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगी या फिर थोड़ा सा लेस मॉडिफाई होगा, जो इक्वल होगा नॉर्मल के, लेस मॉडिफिकेशन हुआ है, यानी कि जो एंजाइम बना है वो मॉडिफाई हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, दैट मीन वो नॉर्मल के बराबर है। दूसरा, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी, मतलब यहां पर तो नॉर्मल एंजाइम बनाया या फिर लेस मॉडिफाई था,
लेस मॉडिफाई का मतलब वो नॉर्मली होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट ज्यादा, यानी कि जो चेंज है, जो बदलाव है, वो बहुत नहीं देखने को मिला। दूसरा देखते हैं, नॉन फंक्शनल एंजाइम। एंजाइम तो बनाएगा लेकिन वो एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा। दैट मीन जीन ने एंजाइम बनाया और वो एंजाइम हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करवा रहा है, यहां पर हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहा है, लेस मॉडिफाई। तीसरा, नो एंजाइम प्रोड्यूस। तीसरे में वो जीन एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस के लिए जीन है, ये टॉलनेस की जीन है, ये क्या करेगी, एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। एंजाइम प्रोड्यूस करेगी तो ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस होगा और प्लांट तो हो जाएगा। लेकिन इसमें आ गया मॉडिफिकेशन, ये आ गया मॉडिफिकेशन। अब ये मॉडिफिकेशन ऐसा होगा कि अगर ये जीन या अलील, या तो एंजाइम नॉन फंक्शनल बनाए, मतलब एंजाइम तो बनाए बट एंजाइम कैसा है, नॉन फंक्शनल, और या फिर एंजाइम बनाए ही नहीं। दैट मीन अगर यहां पर ना तो एंजाइम बना, और एंजाइम बना तो नॉन फंक्शनल था, ग्रोथ हार्मोन बने रही। अब ग्रोथ हार्मोन नहीं बना तो प्लांट कैसा, छोटा रहेगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन डोमिनेंस का, मतलब तीन रीजंस की वजह से वो करेक्टर जो है वो डोमिनेंस शो नहीं करेगा, और शो करेगा तो वो कब करेगा, जब वो फुल्ली एक्सप्रेस कर रही है, वो जीन जो फुल्ली एक्सप्रेस कर रही है, यानी कि एंजाइम बना रही है, तो ही वो एक्सप्रेस करेगा। अदरवाइज अगर मॉडिफिकेशन आ जाता है तो वो एक्सप्रेस नहीं करता, उसी में ही हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ये था हमारा डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है, ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। अगला देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है व्हेन बोथ अलील इक्वली एक्सप्रेस, दोनों अलील इक्वली एक्सप्रेस करें तो उसे बोलते हैं हम कोडोमिनेंस। एग्जांपल से समझते, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमारे तीन तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, सॉरी चार होते हैं, ए बी ओ और ए बी ओ और ए बी। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम ए बी का। ए बी में क्या होता है, ये आरबीसी है, आरबीसी पर ये होगा एंटीजन, ये एंटीजन ए और ये एंटीजन बी, क्लियर है। अब ए एंटीजन और बी एंटीजन क्यों आया, एक ही पर, एक आरबीसी पर हमें दोनों ही एंटीजन देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए इस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन हुई, जीन। क्यों, क्योंकि जो ए एंटीजन बनाने वाली जीन है वो है आई ए, और बी बनाने वाली है आई बी। तो जिस पर्सन में ब्लड ग्रुप ए बी था, इसका मतलब उसमें क्या हुआ, ये अलील भी है, यानी कि आई ए अलील भी है और आई बी अलील भी है, ये भी एंटीजन बना रही है, ये भी एंटीजन बना रही है, ये बन। अब दोनों एंटीजन बनेंगे तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन तो अपने आप ही आएगा, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो कोडोमिनेंस, इक्वली दो अलील जब इक्वली एक्सप्रेस कर रही है, देखो बहुत अलील इक्वली एक्सप्रेस, तो दोनों अलील ने एक्सप्रेस किया। इसमें एक और एग्जांपल आता है जो हेल्पबुक में है, एनसीईआरटी में नहीं है, सिकल सेल एनीमिया का। ये हम आगे पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया का जो एग्जाम्पल है
ये हम आगे पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये था कोडोमिनेंस, दोनों अलील इक्वली एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल अलील। क्या है मल्टीपल अलील? नाम से पता लग रहा है मल्टीपल अलील। जब एक जीन की, अभी तक हम कितनी पढ़ते आए हैं, हमने कहा कि एक जीन की दो अलील होती हैं, लेकिन मल्टीपल अलील में क्या होता है, जब एक जीन की दो से ज्यादा अलील हो जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीपल अलील। इसमें भी एग्जांपल आएगा हमारा ब्लड ग्रुप का। देखो कैसे, जो ब्लड के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होती है वो कौन कौन सी होती है, जो बेसिकली अलील होती है। जीन तो होती है आए, जीन हो गई आए, और अलील कौन कौन सी होगी वो देखते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। एक दो तीन, कितनी अलील हो गई, एक जीन के लिए तीन अलील हो गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल अलील। अब यहां ध्यान से देखेंगे हम कितनी डोमिनेंट और कितनी रिसेसिव है। कैपिटल है, दैट मीन डोमिनेंट होगी ये, डोमिनेंट कैपिटल से डिनोट किया है, ऑब्वियस सी बात है, ये कैसी होगी रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव। फिर से मैं वापस कोडोमिनेंस पर जा रहा हूं, यहां से समझाने के बाद फिर से डोमिनेंस कोडोमिनेंस में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जिस पर्सन में ये भी अलील होगी और ये भी होगी, और एक आदमी में दो से ज्यादा अलील होती नहीं है, एक आदमी में दो से ज्यादा अलील नहीं होती एक जीन के लिए। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, मैं हूं, मेरे अंदर ये अलील भी और ये अलील भी है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए और बी। क्यों? क्योंकि ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तो दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगी, इसलिए क्या हो गया को डोमिनेंस। यहां पर वापस आते हैं हम, अगर क्या आ जाए फॉर एग्जांपल ये और ये आ जाए, नाउ ब्लड ग्रुप क्या होगा देखते हैं। ये क्या है डोमिनेंट, ये क्या है रिसेसिव। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये रिसेसिव है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए। अगर मैं कहूं ये है तो ब्लड ग्रुप बी, क्योंकि ये डोमिनेंट है। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये भी डोमिनेंट दोनों अलील अपने अपने एंटीजन बनाएगी जो आरबीसी पर होंगे, और ब्लड ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा ए बी। तो ये कोडोमिनेंस था। और मल्टीपल अलील, जब एक जीन की, यानी जीन हमारी आई है, इस आई जीन की कितनी अलील हो गई तीन, दैट इज कॉल्ड, यानी कि दो से ज्यादा अलील हो गई, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल अलील। दो डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव। रिसेसिव को स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं हम यहां, और ब्लड ग्रुप का इसमें एग्जांपल आ जाएगा। ये थे हमारे कुछ टॉपिक, और कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, अब क्वेश्चन सुन लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने फेल किया, ये कैसे फेल हुआ। तो वहां पर एग्जांपल हम इनकंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का देंगे, और कई बार डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकंप्लीट और कोडोमिनेंस। तो इनकंप्लीट में क्या होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, और कोडोमिनेंस में दोनों अलील इक्वली एक्सप्रेस करती है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इनको आप शो करके कैसे दिखाओगे, हमेशा ये चैप्टर ऐसा है जहां पर आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी है क्रॉस के थ्रू, जैसे मैंने यहां पर हर चीज को क्रॉस के थ्रू बताया है कि यहां पर क्रॉस करोगे आप। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं, एक कोडोमिनेंस का एग्जांपल लेते हैं हम, ये है हमारा, इसको क्रॉस कर दिया, ये मेल है, और मेल का ब्लड ग्रुप क्या होगा इसके अकॉर्डिंगली ए, और यहां पर हो गई इसकी जीन हो गई आई बी, और ये हो गई फीमेल। अब F1 जनरेशन में हमें देखना है कि इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, तो पॉसिबिलिटी देखते हैं, गैमेट बनाओ सबसे पहले,
गैमीट को पुनेट स्क्वायर में रख दो, यहां तो हो गई, यहां तो हो गया मेल और यहां हो गई फीमेल। ए आई बी आई बी स्मॉल आई, फिर कैपिटल ए ये हो जाएगा स्मॉल आई, स्मॉल आई और स्मॉल आई। ये क्या ब्लड ग्रुप होगा ए और बी, क्या लगेगा इसमें कोडोमिनेंस। इसको और इसको देखें तो यहां पर क्या लग गया आपका, यहां पर ब्लड ग्रुप ए यानी कि डोमिनेंस और यहां पर स्मॉल आई मतलब ब्लड ग्रुप होगा उसका ओ, क्योंकि दोनों ही रिसेसिव वैल्यू आ गए, जब रिसेसिव वैल्यू दोनों आ जाए तो ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। ये ब्लड ग्रुप होगा बी, ये ब्लड ग्रुप होगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए और ये ड्यू टू कोडोमिनेंस ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मल्टीपल एलील आ जाता है तो उसमें ब्लड ग्रुप का एग्जांपल आ जाएगा। और मल्टीपल एलील्स में एक टेबल दे रखी है और आपको उसमें उस टेबल को दिखाना है और बताना है ये मल्टीपल एलील्स है कि किसका क्या ब्लड ग्रुप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए पर्सन है, इसमें है ए एंटीजन, बी है ये हो गई एलील, ये हो गई आई, इसका है बी, तो ब्लड ग्रुप यहाँ क्या होगा, ए का है, ए में है अली ये और बी में अली है ये, ए में ये है बी में ये है, ए में ये है बी में भी ये है, ए में ये है बी में भी ये है। तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या होंगे वो आपको बताने हैं, तो सिंपली हम मल्टीपल अलील से ये बता सकते हैं, ये टेबल है मल्टीपल अलील की। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस मल्टीपल अलील, मोस्ट प्रोबेबली ये दो, इन दो से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये वो चीजें हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल करते हैं। क्लियर है, ये था आज का हमारा।